पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गालाए सको ता आई उन सा गडो गर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आई मौसीकी जी महफिल सुबह साजर सिंध टीवी जे बेहतरीन आई सरमोड प्रोग्राम सलाम सिंध संगड मां तवां जी मेज़बान सहर शरजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध माने रहीम भलारी भूंज है हर शहर हर नगर हर गोठ हर गाम दे पर दे मुल्का मुल्क जिथे जिथे बस असांजे मुसाफिर आवाज जो पखी पहुंची चुको है असांजो अक्स पहुंची चुको है उन्हें सभी दिसण वारन के उन्हें सभी मौजूद नाजरीन के अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उम्मीद तो तहां सब घरवाती ठीक हुंदा आराम सा हुंदा खैरियत सा हुंदा असांजी इहाई दुआ हुंदी कि असांजे दिसण वारा जेके भी इन असांजा सिंधवासी असांजा वतनवासी सब खैरियत सा हुजन ठीक ठाक हुजन आबाद हुजन खुश ए सलामत हुजन नाजरीन अज असां इलाही सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं इलाही सारियूं शयूं आहिनि जिन्हनि खे टॉपिक आहे जिन्हनि खे असां छेड़ींदासीं ऐं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कुझु मां ॻाल्हाईंदमि कुझु तव्हां ॻाल्हाईंदव फोन कॉल्स हूंदा लाइव असांजा ऐं असां सां गॾु अॼु बि गेस्ट हूंदा ऐं डिफरेंट असां ॻाल्हियूं कंदासीं असांजी पूरी कोशिशि हूंदी असां डिफरेंट फील्ड्स जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे असां तव्हांजे अॻियां वठी अचूं ऐं असां बि उन्हनि खां सवाल जवाब कयूं ऐं तव्हां बि कयो जिते जिते असां सोचूं था की असांखे ज़रूरत आहे कुझु अलॻि करण जी ज़रूरत आहे असांखे कुझु ॻाल्हि ॿोल करण जी कुझु अवेयरनेस जी त असां उते ॻाल्हाए सघूं था उन्हनि जेके माण्हू आहिनि असांजा गेस्ट आहिनि नाज़रीन आहिनि उन्हनि सां असां ॻाल्हाए सघूं था ऐं इन खां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की अॼु जेको मौसमु आहे उहो ॾाढो प्यारो आहे हमेशह जीअं ऐं मौसमु जेको हूंदो उहो सुहिणो ई हूंदो आहे असां वटि गर्मी वधी वई आहे ऐं तव्हां यकीन उन्हनि जे जेके प्रिकॉशन्स आहिनि जेके बि शयूं आहिनि तव्हां उहे करे कयूं हूंदियूं ऐं गर्मी में असां छा कंदा आहियूं पाणी तमामु घटि पीअंदा आहियूं जेको असांजी सिहत जे लाइ सुठो न आहे असांखे पाणी तमामु घणो पीअणु घुरिजे पाणी इन लाइ जो असांजी स्किन जे लाइ असांजी सिहत जे लाइ हर लिहाज़ सां असांजे लाइ हिकिड़ो हूंदो आहे न दवा वांगुरु कमु कंदो आहे ऐं इहा बि ॻाल्हि आहे की असां उनखे एॾी अहमियत न आहियूं ॾींदा असां जेको खाधो पीतो आहे पाणी उनखे लाइट वठंदा आहियूं असांखे दवा सम्झी पंहिंजो खाधो ऐं जेका ग़िज़ा आहे उहा खाइणु घुरिजे छो त असां उहा जेका प्रॉपर ग़िज़ा आहे उहा न आहियूं खाईंदा ऐं आख़िरि में असांखे वरी दवाउनि ते हलणो पवंदो आहे त इन करे तव्हां पाणी घणो पीअंदा कयो ऐं जेका सनलाइट आहे असांजे लाइ ज़रूरी आहे पर सनलाइट जेका आहे उहा तव्हांजे जेको बॉडी मां जेको पाणी जी कमी पैदा करे छॾींदी आहे त उनजे लाइ लिहाज़ सां मां इहो चवंदमि की असांखे जेको पाणी आहे उहो पीअणु घुरिजे तमामु घणो ऐं लेमिनेट इन सां गॾोगॾु तव्हां लेमिनेट बि वठंदा रहो उहो बि असांजी सिहत जे लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की अॼु असां जिन्हनि गेस्ट खे घुरायो आहे असां अॼु ॻाल्हि कंदासीं कुझु कोर्ट्स जी कुझु कानूननि जी की असांजे मुल्क में कहिड़ा कानून आहिनि असांखे काफ़ी अवेयरनेस न आहे या असांखे ख़बर न आहे की असांजा कहिड़ा राइट्स आहिनि या जेके ॿिया असांजा पाड़ेसरी आहिनि असांजा मुल्क वासी आहिनि उन्हनि जा कहिड़ा राइट्स आहिनि त असांखे जेका जनरल अवेयरनेस न आहे या असांखे जिन्हनि शयुनि जे बारे में ख़बर न आहे असां उन्हनि शयुनि जे बारे में अॼु ॻाल्हाईंदासीं मतिलबु थोरी घणी अवेयरनेस मां चवंदमि त असांखे अवेयरनेस हुजे ऐं असांखे ख़बर हुजे असांजा जेके ॾिसण वारा आहिनि तव्हांखे बि ख़बर हुजे ऐं उन में काफ़ी सारी शयूं हूंदियूं आहिनि की असांखे सवाल जवाब असांजे माइंड में हूंदा आहिनि ऐं असांखे ख़बर न हूंदी असां काफ़ी शयूं आहिनि जिन खे मायूब सम्झंदा आहियूं मायूब मतिलबु बुरो सम्झंदा आहियूं ईअं की असां सोचींदा आहियूं की असां कोर्ट नथा वञी सघूं कोर्ट वञणु असांजे लाइ ख़राबु आहे या उहो कहिड़े डिफरेंट सेंसिस आहिनि असांजी डिफरेंट सोचूं आहिनि की मे बी उहे ग़लति हुजनि ऐं मे बी जेको असांजी इंसाफ़ गाह आहे उहो असांजे लाइ जेका कोर्ट आहे उहा वाक़ई असांखे इंसाफ़ प्रोवाइड करे सघे थी या कहिड़ियूं शयूं आहिनि असां अॼु कुझु अहिड़ा गेस्ट घुराया आहिनि जिन्हनि सां असां कचहरी कंदासीं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं उन्हनि जी फील्ड्स जे बारे में ऐं उहे तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां की उहे पंहिंजी फील्ड में ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि इंट्रोडक्शन मां तव्हांखे ब्रेक खां बाद ॾींदमि हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां बाद पर हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदी जनरली हलां की असांजो अॼु जेको टॉपिक हूंदो अॼु जेके शयूं हूंदियूं असां जेके डिस्कस कंदासीं उहे इहे शयूं हूंदियूं की असां जे मुल्क में जेको कानून आहे उहो कीअं आयत कजे ऐं कीअं असां प्रॉपरली उनखे वठी हली सघूं था या उन ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं था या कीअं असांखे पंहिंजा राइट कीअं ख़बर पवनि असां अक्सर सोचींदा आहियूं हिकिड़ी ॻाल्हि की असां जा जेके राइट्स आहिनि उहे
एतिरा ई आहिनि की बसि असां पढ़ियो लिखियो, असां पढ़ी लिखी वियासीं त उहो मतिलबु ग्रेजुएशन कई त मतिलबु सभु कुझु करे छॾियो, ईअं न आहे। असांखे पढ़ण खां अलावा बि असांजूं शयूं आहिनि जेके असांखे ख़बर हुजणु खपनि। जीअं करंट अफेयर जी ॻाल्हि आहे त करंट अफेयर्स मतिलबु जनरली छा तव्हांजे मुल्क में हले पियो तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे, ऐं इन सां गॾो गॾु इहो बि आहे की असांखे उहे शयूं इन लाइ ख़बर हुजणु खपनि की असांजा राइट कहिड़ा आहिनि, असांजा कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांजे लाइ बहितर आहिनि, कहिड़ियूं आहिनि जेके न आहिनि, छा आहे असां करे सघूं था, छा आहे असां नथा करे सघूं। छो त कंहिंखे बि तकलीफ़ न ॾियणु घुरिजे, ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते जेके माण्हू आहिनि उहे असां अखबारूं असांजी मीडिया भरियलु हूंदी आहे की अॼु हीअ थी वियो, अॼु हू थी वियो, हीअ थी वियो, त इहे सभु शयूं आहिनि। असां अॼु मुंहिंजे माइंड में बि इलाही सारा सवाल आहिनि जेके असां पंहिंजे गेस्ट सां कंदासीं, ऐं पुछंदासीं उन्हनि खां की कहिड़े तरीक़े सां जेको कानून आहे उनखे अञा वधीक मज़बूत ऐं सुहिणो करे सघिजे थो, या असां उन ते एतबार करे सघूं था। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असांजे जेके मां राइट्स जी ॻाल्हि इन लाइ कई की जनरली असां सोचींदा आहियूं की जेके असांजा राइट्स आहिनि उहे एतिरा घणा न आहिनि, या असांखे ख़बर न आहे हूंदी, असां पढ़ंदा न आहियूं। बेसिक शइ जेका आहे न असांखे पढ़णु घुरिजे, असांखे न्यूज़ पेपर्स रोज़ ईंदियूं आहिनि, ख़बरूं रोज़ टीवी ते हलंदियूं आहिनि, असांखे उन्हनि शयुनि सां अवेयरनेस जेका आहिनि उनजो अवेयर हुजणु घुरिजे, ऐं अवेयरनेस असांखे हुजणु घुरिजे। त असां नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जिन्हनि जे बारे में असांखे मालूमात रखणु घुरिजे की असांजे मुल्क में छा थो हले। सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि न आहे पर असांजी असांजा पंहिंजा कहिड़ा राइट्स आहिनि, असां रोड खां मतिलबु पंहिंजे घर खां पंहिंजी डेस्टिनेशन्स ताईं, पंहिंजी ऑफिस ताईं, या पंहिंजी पंहिंजे माउ जी अॼु सेट ताईं पहुती आहियां, ईअं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तव्हां डेस्टिनेशन्स ताईं पहुचो था, ऐं उहे घर खां रोड ताईं जा जेके कानून आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जिन्हनि जो असांखे ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे। रोड जा कानून हूंदा आहिनि, रस्तनि जा, पाड़ेसरी आहिनि उन्हनि जा तव्हां ते राइट्स आहिनि, कुझु उहे सभु शयूं आहिनि नंढियूं नंढियूं, पर उन्हनि खे अहमियत ॾियणु घुरिजे, उन्हनि जे बारे में असांखे ख़बर हुजणु घुरिजे, अवेयर हुजणु घुरिजे। ऐं इन सां गॾो गॾु इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की अॼु कुझु मां नंढियूं नंढियूं जेके हेल्थ टिप्स आहिनि उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदसि की कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मौसम जे लिहाज़ सां असांजे लाइ बहितर आहिनि, कहिड़ियूं आहिनि जेके असांजे लाइ बहितर न आहिनि। ऐं जनरली तव्हां बि कॉल करे सघो था ऐं असांखे फीडबैक ॾेई सघो था। इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की हेसिताईं असांखे जेका फीडबैक मिली आहे तव्हांजी, असां उन जे लाइ तव्हांजा मशहूरु आहियूं, शुक्रगुज़ार आहियूं की तव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसो था ऐं एॾो सराहियो था, एॾो असांखे वाखाणियो था, असां उन जे लाइ तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं जेका फीडबैक आहे तव्हांजे असांजे लाइ इलाही हूंदो आहे न, ज़रूरी आहे, इन सेंस में ज़रूरी आहे की जेको आर्टिस्ट हूंदो आहे उनखे एप्रिसिएशन जी ज़रूरत हूंदी आहे, ईअं ई असांजे लाइ ज़रूरी आहे। प्रोग्राम जेको आहे सलाम सिंध जेको आहे उहो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां उन में असांखे ॿुधाए सघो था की तव्हां छा था ॾिसणु चाहियो, या कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां एड करणु चाहियो था, कुझु सेगमेंट, कुझु शयूं डिफरेंट शयूं आहिनि, त तव्हां उन में असांखे जेका पंहिंजी राय आहे उन खां आगाह करे सघो था ऐं बिल्कुलु करे सघो था। इन सां गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की इलाही सारी शयूं आहिनि जिन जे बारे में अॼु असां डिस्कस कंदासीं, पर जेको वक़्तु थियो आहे उहो हिकिड़े नंढे ब्रेक जो थियो आहे, त असां ब्रेक ते वेंदासीं, वापसि ईंदासीं। इलाही सारी कचहरियूं ऐं ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे असांजूं कुर्बतनि वारियूं कचहरियूं जेको आहिनि सुहिणियूं कचहरियूं आहिनि उहे जारी ऐं सारी हलंदियूं ऐं असां ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। पर नाज़रीन वक़्तु थियो हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, तव्हां उन वक़फ़े में चांहि ठाहियो ऐं असां बि चांहि पीअंदासीं, तव्हां बि असां गॾिजी चांहि पीअंदासीं। त वापसि अचो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भलीकार व्यूवर्स, असां हिकिड़े नंढड़ी साई खां बाद मोटी आया आहियूं ऐं तव्हांजी मेज़बान सहर शरीफ़ी तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। असां सां गॾु कुझु गेस्ट आहिनि उहे मौजूदु आहिनि ऐं असांजी जेका पूरी सलाम सिंध जी जेका सत आहे उहा मौजूदु आहे। मां वेलकम चवंदमि सभु खां अॻु में असांजे म्यूज़िक डायरेक्टर मोहरम नाज़ साहिब खे, अस्सलाम वालेकुम, ऐं असांजा जेका तबला नवाज़ आहिनि आसिफ भा, अस्सलाम वालेकुम। असांजी जेका सत आहे उहा बि तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। मां ॿुधाईंदी हलां असां सां गॾु जेके गेस्ट आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उनखे अॼु ब्लैक रोज़ कलर सेफ वारनि तामुन कयो आहे। अॼुकल्ह जेके असांजा वार जेके असां सफ़ेद थी वेंदा आहिनि उनजे करे असां घणा परेशान हूंदा आहियूं ऐं उन्हनि मां जान जेका आहे उहा आजी करण जे लाइ असां इलाही सारियूं कोशिशूं कंदा आहियूं। मार्केट में केतिरा ई कलर आहिनि जेके अची विया आहिनि ऐं असां इस्तेमालु कंदा आहियूं पर पोइ बि असांखे को फ़र्क़ु न आहे पवंदो, बहितर नुक़सानु पवंदो आहे ऐं जेका परेशानी जो असांजे लाइ उहो सबबु थींदो आहे, जेके उन्हनि में केमिकल्स आहिनि या उहे शयूं आहिनि असांजे लाइ उहे बिल्कुलु ठीकु न आहिनि। ऐं पर हाणे असांखे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे छो त मार्केट में ब्लैक रोज़ कलर सेफ अची वियो आहे जेको असांजे वारनि जे लाइ बिल्कुलु ठीकु ऐं महफ़ूज़ आहे ऐं हीअ असांजे वारनि खे 100% ग्रे कवरेज ॾिए थो। ब्लैक रोज़ कलर सेफ इस्तेमालु करण सां असांजा वार जेके आहिनि उहे ताक़तवर, जानदार ऐं चमकदार थियनि था। ऐं तव्हांखे नाज़रीन ॿुधाईंदी हलां की असां इन सां गॾो गॾु जेको असांजा गेस्ट आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ बि तमामु ज़रूरी आहे छो त उन्हनि खां सवाइ असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो पूरो न आहे। यकीननि सभ खां अॻु त ॿुधाईंदी हलां की पंहिंजी फील्ड में तमामु सुठो कमु करे रहिया आहिनि, एडवोकेट आहिनि, मां इंट्रोडक्शन ॾींदमि सभ खां अॻु में।
तो असां सां गॾु मुमताज़ गोपांग साहब मौजूदु आहिनि, जिन्हनि 8 साल पंहिंजी फील्ड में कमु कयो आहे, एडवोकेट आहिनि। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। सबसे पहले सभिनि खां अॻु में त मां तव्हांखे ख़ुशामदीद चवंदमि ऐं थैंक यू सो मच की तव्हां टाइम कढी असां वटि आया। वॾी महिरबानी ऐं तव्हांजी बि महिरबानी। असांखे पंहिंजे प्रोग्राम बिल्कुलु ठीकु ठाकु अलाह जी शुक्र। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाइण जे लाइ हिन सां गॾु असां सां गॾु हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी मौजूदु आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि रफ़त ऐवान साहबु मौजूदु आहिनि, जिन्हनि जेके एडवोकेट आहिनि, हाई कोर्ट में ॿुधा आहिनि ऐं सिविल कोर्ट में ॿुधा आहिनि, उन्हनि इलाही सारो असांजे मुल्क जे लाइ कमु कयो आहे। उन्हनि खां बि असां वेलकम चवंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सुबह कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। जी मैं आपसे डिस्कस जो है वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली जो कोर्ट या ऐसी चीज़ें हैं हम लोग इतनी नॉलेज हमें अवेयरनेस होती नहीं है, तो इस मतलब डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपसे पूछती रहूँगी। मुझे तो आप पहले ये बताएं कि हमारे जो बच्चे हैं, दोनों से मेरा ये सवाल है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अक्सर ये कहा जाता है कि आपको या वकील बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप इन फील्ड्स में अब आ गए, आपको क्या फैमिली की तरफ से प्रेशर था? सर मैं पहले आपसे पूछूँगी। जी जी पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट टीवी वालों का, जिन्होंने एक सोशल इशू के ऊपर प्रोग्राम रखा। जी सर, मैं भी आपकी मशहूर हूँ कि आप आए आज टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया। सिवा जी के वालदेन का प्रेशर तो नहीं होता, ये तो अपनी चॉइस के ऊपर होता है। जी जी। और अच्छी फील्ड में जाने का हर किसी को शौक होता है। अच्छा। वालदेन भी ये चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो अच्छी फील्ड में जाएँ। जी। और हमारा शोभा इतना बुरा नहीं जितना लोगों की नज़रों में है, अच्छा शोभा है, लेकिन ये कि लोग हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। जी जी। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं। नहीं बेसिकली ये होता है कि बच्चे जो हैं हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, हम ये समझते हैं उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम जो ऐसे कहते हैं कि वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो और वो अच्छा अर्न करें, अच्छा नाम कमाएं, तो इस लिहाज से हम लोग मेरे ख्याल से बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप अपनी मर्जी से आए हैं फील्ड में। जी हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ही आया हूँ। अच्छा। जी हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इस फील्ड में आया हूँ, और देखिए दोस्तों का, उस्तादों का, सबके मशवरे तो होते हैं, क्योंकि तो बच्चा इतना छोटा होता है कि उसे इतना पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो तो सिर्फ यही कहेगा कि वो उनकी खाली तस्वुरात होते हैं कि जी मैंने बड़ा होकर ये बनना है, बड़ा होकर ये बनना है, लेकिन जब वो मैट्रिक करेगा उसके बाद उसको शऊर आता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। सही, सही। और माशाल्लाह आजकल तो मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि बच्चे खुद कबलस वक्त सब कुछ समझ जाते हैं कि उनको किस फील्ड में जाके अपने आप को मनवाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ता है। जी तां का मायो सागी सवाल करनस कि तां पानी मर्जी से इन फील्ड में आया हो, की एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, एक्सपीरियंस तमाम जबरदस्त रहो। जी जी। एडुकेसी के हवाले से तो एकड़ी जेका सुठी क्रीम ऑफ सोसाइटी है, उन में एडवोकेट जो शुमार भी थे तो। हाँ। उन खां पोइ असां जेकॾहिं अचूं त तव्हां जेको सवाल हुयो तव्हांजो हिन हवाले सां, त माण्हू छाजे लाइ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आहिनि, इन में ॿ राय आहिनि। हिकिड़ो रायो त इहो आहे असांजे माना सोणी सिंधी में जीअं चइबो आहे त भई हिकिड़ो माण्हू कंहिं बि फील्ड में अचे माण्हुनि जी ख़िदमत करणु। हा। आम राय जी ख़िदमत करणु, सपोज़ कयो वकील आहे, डॉक्टर आहे, ऐं या इंजीनियर आहे, या उन खां अलावा ॿियूं जेके बि फील्ड्स आहिनि, उन्हनि में अचण जो मक़सदु घणनि माण्हुनि जो त इहो हूंदो आहे त असां मां डॉक्टर थियां, या छोकिरी हूंदी आहे चवंदी आहे मां डॉक्टरणी थियां, पंहिंजी क़ौम जी, पंहिंजे माण्हुनि जी, पंहिंजे मुल्क जी ख़िदमत कयां। वरी ॿियो इहो हूंदो आहे त ॿियो वरी हिकिड़ो सेल्फनेश माण्हू हूंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त असां रुगो माना पैसो अचे, उहो कहिड़े तरीक़े सां अची सघे थो, कहिड़े नमूने सां अची सघे थो, फ्यूचर कहिड़े नमूने सां, जीअं तव्हां चयो त फ्यूचर ब्राइट थिए, उहो कहिड़े नमूने सां डेवलप असां उनखे करे सघूं था। पोइ जीअं असां वटि बि अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन अची सघे थी, पोइ वकील या डॉक्टर्स थियनि था। तमामु घणा तव्हां डॉक्टर ॾिठा हूंदा जेके सोशल आहिनि, जिन्हनि जो तालुक़ु हेठनि माण्हुनि सां आहे, ख़िदमत सां आहे। घणनि डॉक्टरनि जो तालुक़ु ख़िदमत सां न आहे। अदीब रिज़वी साहिबु तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहे असांजो, कराची में, हिकु पाकिस्तान में हिकिड़ो तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे, हिकिड़ो नंढिड़ो माण्हू आहे अदीब रिज़वी, पर हू ख़िदमत जे जज़्बे सां वधियो त ख़िदमत करे पियो। वरी अहिड़ा खोड़ डॉक्टरनि जिन्हनि जा नाला न खणंदासीं जेके पैसे जे हिसाब सां वधिया ऐं अॼु के उहे हिते बि न आहिनि,
तक यूएसए में यूरोप में बेन कंट्रीज में माना डॉलर्स में इन में सैलरू खड़न था हकीकत यह है एडवोकेसी की फील्ड में या डॉक्टर्स की फील्ड में माना अस पाकिस्तानी एतरा खुशनसीब आयू जो सारी दुनिया में असा डॉक्टर्स से लॉयर्स बैरिस्टर्स मनल तकरीबन इंजीनियर्स असोसो सारी दुनिया में कम कन पा तुम सऊदी का शुरू कर वहीं अमेरिका तक पहुंचो तो तकरीबन असा मू इन में कम कन पा हाँ इन में बई शन मुझो ख्याल आसाखे असाजे मुआशरे के सख्त जरूरत आसी कें भी फील्ड में अचू खिदमत के जज्बे से अचो तो यो बेहतर यो दाडो ता एकडो मैसेज शुरू में ता एडो सॉलिड मैसेज दे छियो सर आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि यंगस्टर्स जो हैं हमें इस वक्त देख रहे हैं वो उनको कैसे पता चले कि मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूं या अच्छा इस फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूं देखिए सबसे पहले किसी भी फील्ड में जाएं सिर्फ तालीम पे तवज्जो होनी चाहिए जी जी जब बच्चे को अच्छी तालीम देंगे आप अच्छा माहौल उसे मिलेगा तो उसे सूझबूझ भी आएगी उसकी वालदैन की जो मुआवनत है उसके जरिए तालीम अच्छी होगी तो दिमाग भी खुलता है जी जी और आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जो ऑल लेवल लॉरे लेवल के एजुकेशन दे रहे हैं जी। जब बच्चा पढ़ेगा समझेगा जब ही वो आगे जाएगा हाँ। हमारे यहाँ तो सिस्टम बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे हैं जी जी। कि सिस्टम ख़राब भी हैं कुछ बेहतर भी हैं लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर की तरफ जाएँ सिस्टम तो चलते रहते हैं लेकिन ये भी है ये भी एक चीज होती है कि जब हम हमारे बच्चों में देखते हैं ना कि कोई ज्यादा बोल रहा है या बहस कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं इसको तो वकील बनना चाहिए ऐसा क्यों होता है नहीं बस एक ये लोगों की राय है अपनी लेकिन ये कि बच्चों का शौक जो है वो मुख्तलिफ होता है जी जी कुछ बच्चे जो है वो बचपन में ही कोई डॉक्टर बना हुआ होता है कोई मतलब वकील का रोल अदा करता है जैसे पहले तो चोर सिपाही खेलते थे अब तो वो दौर अब मीडिया पे चला गया हाँ। अब तो बच्चे जो है वो सिर्फ मीडिया के ऊपर तवज्जो देते हैं सही है तो जितनी तालीम अच्छी होगी शोर उतना अच्छा आएगा उतने बच्चे जो हैं आगे के बारे में सोचेंगे करेंगे उतने ही फिर वेलफेयर के बारे में भी बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी जी। और मेरा तो मशवरा है कि बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही जो है वेलफेयर की आदत डालनी चाहिए वो भी सर भी यही बात कर रहे थे कि ताकि बड़े होकर वो चीज उनके अंदर आ जाए खिदमत खल्क उनके अंदर पैदा हो सही 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 सर इसके साथ भी मुझे ये भी बताएं कि जो हमारे यंगस्टर सब पास आउट होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं उनके क्या राइट्स हैं जब हम डिफरेंट ममालिक के लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो पास आउट एक बच्चा होता है ग्रेजुएट हो जाता है या वो मास्टर्स कर लेता है तो उसके राइट्स होते हैं कि हुकूमत के साथ उसका क्या मतलब रिलेशन है या वो क्या उसको जब तक जॉब मिले वो तब तक उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमारे पास ऐसा कुछ कानून है जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए यंगस्टर्स जो पास आउट होते हैं उनके लिए हमारे पाकिस्तान में कानून तो सब हैं जी जी लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है उस अमल दरामद के लिए जितनी कोशिश करते हैं उतनी कोशिश के अंदर ना तो गवर्नमेंट रहती है जी। या गवर्नमेंट चले जाती है या फिर बच्चे जो हैं खुद थक हार के बैठ जाते हैं वो खुद बदजन हो जाते हैं वो फिर दूसरी फील्ड की तरफ सोचते हैं हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे की तालीम कम्प्लीट हो रही है यहाँ सारा तादाद इनमें मालूम होती है गवर्नमेंट को कि हर साल के अंदर कितने बच्चे हमारे पास हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने बच्चे पास होंगे उसी के हिसाब से इन्हें प्लानिंग करके उनकी जॉब के लिए बंदोबस्त करना चाहिए गवर्नमेंट को इस चीज़ का बंदोबस्त दूसरे ममालिक में ऐसा है उनको पास सारी चीज़ों की बच्चों को सहूलतें भी देते हैं मेडिकल भी फ्री होता है तालीम भी फ्री होती है जॉब नहीं मिल जाती जब तक जॉब नहीं होती तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है उन्हें गुजर बसर तो करना है हर इंसान को तो उसका जब आप नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो हमारे माशरे में ये भी एक अलमिया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो नेगेटिव तरफ इसलिए जाते हैं कि उनके पास कोई आमदनी नहीं है कोई जरिया नहीं है जी तो हमारी गवर्नमेंट को कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं वो करके कि मुझे जॉब नहीं मिल रही प्रेशर है घर की तरफ से अर्न भी करना है और उन्होंने फैमिली की तरफ से भी सर मैं तहां का भी सवाल कदम सेम जो कहो कि असा जो बार प्रेशराइज थी वा यो हों फैमिली चंदी कि अस तक पढ़ाया लिखा एतो ते पैसा खर्च कर तो तक एक्सपेक्टेशंस भी वही वन बार उन्होंने राइट्स असो कानून है असल में आए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में यूथ जो एकड़ो तालुका एकड़ी मिनिस्ट्री आ यूथ अफेयर्स एकड़ी मिनिस्ट्री आ जेका असांजे मुल्क में कम कंदी आ यूथ जे लाइ माना जेको यूथ उनखे असां चई सघूं था जेको पढ़ी लिखी ऐं
तैयार थे वो युथ है असा जी अच्छा उन में नौजवान जगह थे उन में सबनन शेन जो तालुका था भाई ही असा जी जगह युथ तैयार थे थी ता वडा वडा सेमिनार युथ जा दिसंदो जे में प्राइम मिनिस्टर इंदो प्रेसिडेंट इंदो इस्लामाबाद में जे वो कराची में थे तो असा जो सीएम गवर्नर इंदो उन में वडी तकरीरू कंदा ही थियो ही थिनो ही पर उन ते अमल कोन पियो थे छो तो जैसे अमल कन जो असा के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है असा मुल्क की जिम्मेदारी भी है युथ की तुम ये समझो तो युथ के तैयार करण के लिए फॉरेन कंट्रीज में ऐसो असा एक नंढड़ी युथ की शो रांद माना युथ की अड़ी शही अस डेवलप पे मुल्क में न कर सुठा मैदान न दई सकया क्रिकेट के लिए अस बन वॉलीबॉल बी शो अस जमाने जमाने में मोटी वनू जै वक्त एडी एडुकेशन न हुई एडी गेमू न हु तो उन वक्त कोडी कोडी हुई मल की रांदी इन मकसद हो तो तेड़ो रागिब किया वे बन शो फ्रेश महसूस करे पान के जी तन बुराइन का बच चल हो जो ऐ पो अगते हली सब शयूं थन इन ते मा एकड़ो हिकड़ी न मा असा ये जको ता जुमलो है मखे है माइंड में के वेडाडो अहम है पर ब्रेक खा बाद इन ते सगालैंदासी वक्त नंडड़े ब्रेक जथे जी नाजन ताके बुदाईनी अल्लाह के वक्त जको नंडड़ी साई जथे है असा वणो ता एक नंडड़े ब्रेक ते वापस अचूं ता अस घर रजो है दिसना रजो सलाम सिंध भलीकार एक दफ़ा बीहर असि सत्ता की तहस गड हाजिर है असं इलाही सारे गालू जन अस कानून जी असें मुल्क में थे पे उन डिस्कशन असि हली रही है तक बुधाई अल्लाह कि असो अस प्रोग्राम के तावन किया है वो ब्लैक रोज कलर सेफ वारन असा गड मोजिज ए सुठा मू पाकिस्तान के लिए कम कन पा अड़ा मू अस मौजूद हैं तक बुधाई अल्लाह कि असा गड रिफत ऐवान साहब असा गड जन गोपांग साहब जो मुमताज गोपांग साहब मौजूद हैं तुम गाल पे कि यंगस्टर्स उनकी जो बेस है असा कि नंढपिण में रान कर वा ताकि उनके का एक्टिव रहन मतलब हाँ, तब, जी ना उन में यो है जैसे इंसान के सिर्फ वांदो छो माना आज़ाद छो को कमकार न हो तो नेगेटिव सोची नी शोची छो तो असे श बिजी था रहो लाइफ में तो नेगेटिव सोचने की वक्त ही को युथ के भी असा कें सुन शो पव जैसे उठन शांदुन बन शगल हों तो कें बुरे तरीके से न सोचींदा मां जो अगड़ो मिसाल पे हाँ अस जहरा में कराची में रहूँ था तो एक मन नंढड़ो मिसाल भी मैसेज भी आ गवर्नमेंट के लिए भी मैसेज आ जैसे ऐसो ना असा पाँच युथ के लिए कम न पा क्यों तो असा वट बुराइयों भी वन प्य असाजी युथ या असो जो नौजवान है वो बिल्कुल एडो कॉम्पिटेंट आ पर उन बावजूद भी अस फ्रस्ट्रेशन वही को जो सोचे तो ही न कर सकंदुस मां ही न कर सकंदुस इन हिसाब से पर हकीकत यह है सजो गवर्नमेंट ते बर्डन आ गवर्नमेंट ते बर्डन आ मां मिसाल लिंदुम त कराची में हाने कोई महीनो डेढ़ महीनो थिंदो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पारों एकड़ा हे डब्बा रख्या वया गंद जा डब्बा उते उते तां रोडन ते डिठा हुंदा किथे न किथे तां खे भी नजर आयो हुंदो अच्छा दिसंदे ही मुंजी दिल चयो मू पांजे भाई सा गाड़ी में वन्या पे मां चयोमास ही सिंध गवर्नमेंट रख्या ता हन पर हनन जे लाए प्लान न ठायो हुंदो यो प्लान न ठो हों यो खड़ो कदें यो भरबो कदें यो खड़ो केर यो कड़े तरीके से उ अज सजे कराची में वरी गंद हूँ एकड़ी जाए ते हुयो हाँ ताँखे हर उन डबे जे भरसा माना हर गली जे चौराहे ते ताँखे गंद मिलंदो माना दिसो तां गवर्नमेंट इने जो को राइट ना है कि असा कुछ रोचलायो ता को इने ते इने दिसो इन में मां चवांदो तो दिसो पहिरो नंबर तो गवर्नमेंट जो कम आ भाई ता ये ही युथ वे कम से अचों इन वरी बी तमाम शे लवाजमात ये तो तक अज था उन फ्यूचर प्लानिंग कर हाँ। वडा जैसे मोजिब मुल्क डिठा हों तरक्की याफ्ता मुल्क डिठा हों तो फ्यूचर की प्लानिंग कह जैसे गवर्नमेंट फ्यूचर की प्लानिंग न कंदी तो असा केतरी भी कोशिश क्यों माशाला तुम भी इतने मीडिया जंग विड़े पी मीडिया उ जंग विड़े पी जो गवर्नमेंट के कम करें
सिविल सोसाइटी असा जेके मानु आयो होते होते ब्यूटियों शयों जेके कयों पे बैठा उनके निशानदेही कयों पे बैठा अखबारन में तहां जे टीवी चैनलन जे थ्रू तो हकीकत ये है तो इनन मा उनन के सबक वठन खपे असा जी जिम्मेदारी घट आ आए जरूर छो तो असा इन मुल्क जा फर्द आयो असा ते जिम्मेदारी आ पर इंडिविजुअल असा ते जिम्मेदारी आ पर बेन जी बे पर गवर्नमेंट जी जेका है सा हेवी जिम्मेदारी आ उनन जी के उनन के वेल प्लान करनी आ वेल प्लान करनी आ का वेल प्लान काने का जी तो हकीकत ही आए हाँ कल असड़े जगह से वनूँ पड़ो असो नाजिम दोस्त आ तो उन मुझे बुधा तो मुझी मेयर कराची से मुलाकात थी तो मेयर कराची के इहा खबर कान्हे का लियारी नदी शुरू किथा थी ये जो मीह में जो छोड़ आयो सजी कराची बुडी तो भाई उन छोड़ वो हंध तुम बंद कराए छो ही खबर कान्हे का वो जो खुलल हो तो एडी बोडी न अचे तो माना ऐसो पांजा जेके अख्तियारात हैं ऐं पांजा जेके कम हैं उनन को ना वाकुफ थेण जे इनन ते को चार्ज ना है सर मैं आपसे भी यही पूछूंगी हम बात कर रहे हैं कि कचरा हम फेंक देते हैं जगहों पे हम अपने भी हम उसमें राइट्स जो हैं मैं मालूम नहीं है इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते कि कोई अगर गंद कचरा कर रहा है अपने मुल्क में देखिए ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने इलाके को खुद भी साफ रखें हम डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट की तो गलतियाँ हैं जी जी इख्तियारात होते हुए भी उससे मुकर जाएंगे इख्तियारात नहीं है और हमारे पास वसाइल नहीं है ये तो एक अलग इशू है लेकिन बाइसियत इंसान हमें इखलाकी तौर के ऊपर ख़ुद इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि हमें अपने इलाके अपनी गलियां उसकी गंदगी को उसको साफ़ सुथरा करना चाहिए हम खुद देखते हैं आमतौर पर कि लोग जाते हुए रोड के ऊपर कचरा फेंक देते हैं जी 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 हालाँकि डिब्बे लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जगह बनी हुई हैं कचरों की लेकिन वो उस डिब्बे में नहीं होगा कचरा वो बाहर ही होगा इसके ऊपर आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बनानी चाहिए या ऐसे अवेयर करना चाहिए लोगों को कि ये चार्जेस हैं इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम बनाकर उसमें यूसी लेवल के ऊपर जी क्योंकि ये हाई फाई तो मामला है नहीं ये तो गरीब लोगों से स्टार्ट होते हैं और ज्यादातर लोगों के घरों में जो लोग काम करते हैं वही लोग कचरे वगैरह उठा के फेंक देते हैं सफाइयां वगैरह खुद कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है तो ये नीचे लेवल से इनको अवेयरनेस देनी चाहिए और जो कोई करता है ऐसा तो उसे रोकना चाहिए जी जी उसको समझाना चाहिए जब तक हम एक दूसरे को उसकी गलती को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो गलती रहेगी अच्छा हमारा कानून जो है वो उसमें कुछ ऐसे चार्जेस हों जैसे कुछ डर होते हैं हमारे अंदर काफी हम बाहर एरियाज में चले जाएं बाहर मुमालिक में चले जाएं तो वहाँ पे लोग हैं तो उनको पता है कि ये मायूब है ये गलत चीज है हमें नहीं करनी है लेकिन हमारे पास कोई डर नहीं हम बोलेंगे कोई कुछ हमें कहता ही नहीं हम अपने ही चलाते हैं फिर असल में यही वजह है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है जी कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें जिस तरह दूसरे ममालिक में हमारे ममालिक में भी हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो कुछ होगा वो कैसे होगा देखिए ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि वो एक प्लान दे यूसी लेवल के ऊपर टाउन लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि आपने इलाके को साफ करना है उसकी अवेयरनेस करनी लोगों को बताएं उसको इलाकों के अंदर काउंसलर्स होते हैं हर चीज़ का उन्हें इल्म होता है अगर कोई किसी किस्म का कोई मामला हो या कोई गरीब आदमी मकान बनाना शुरू कर दे तो वहाँ तो सब पहुँच जाएंगे जी जी कि जी आप हमें मिठाई दे दें और हम बड़ा वेलकम कर रहेंगे और बड़ा कुछ करेंगे लेकिन जहाँ उसकी वेलफेयर की बात आएगी वहाँ कोई नहीं जाएगा जी अब देखिए मलेशिया जो मुल्क है हमारे बाद वो आज़ाद हुआ है ठीक है वहाँ पे हम सफाई के जो कानून देखें वहाँ पे कितनी वो तरक्की कर रहे हैं और बींग इन इंडिविजुअल भी वो इतना सारा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ नहीं देखी जाती इतना डिफरेंस क्यों है डिफरेंस असल में इसीलिए कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी और यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम तो है नहीं यहाँ जो जिसके हाथ जैसा काम होता है वैसे ही सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ अगर अवेयरनेस दें लोगों को बताएं और उसके ऊपर फिर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाएं कि उसको एक दफ़ा समझाएं दो दफ़ा समझाएं तीसरी दफ़ा उसके ऊपर कोई फाइन लगा दें आप तो फाइन के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा मोहताज होगा या चौथी दफ़ा के ऊपर उसको बताएं कि जी आप अगर नहीं करेंगे तो आपको इसके ऊपर ये पनिश मिल सकती है जी 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 तो थोड़ा आवाम के अंदर भी थोड़ा डर आएगा या थोड़ा उसके अंदर खौफ आएगा कि हाँ जी मैं गलत कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ तो इस तरह से वो सीधे रास्ते पे कुछ तो आएगा जी 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 जब हम किसी को समझाएंगे नहीं बताएंगे नहीं टोकेंगे नहीं तो वो जैसा कर रहा है करने देंगे तो फिर तो यही हाल होगा ये तो यही पूरी कराची जो है वो कचरे का ढेर बन गया है जी हमने खुद बनाया है खुद हमारी जंगलों में जाके अगर हम देखें तो जानवर जहाँ पे रहते हैं वो जंगल हमारे घरों से या हमारे जो मुल्क से साफ होते हैं हम हर जगह इतना कचरा फैला हमारे यहाँ एक चीज की और वो है ना हम जी सोचते हैं अपना घर साफ कर लें जी हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी गली भी साफ कर लें
बेसिक चीजें अगर गन निकाल के बाहर गली में डाल देते हैं हाँ, और थोड़ी उससे फिर ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, जाहिर है वहीं से मच्छर और गंदगी और सब, हम वहीं से गुजरते हैं, उसी गली से गुजरेंगे, हमारे बच्चे गुजरेंगे, हमारे बड़े बूढ़े गुजरेंगे, तो बीमारियां भी लगेंगी, परेशानियां भी होंगी, मगर हमसे थोड़ा सा और हिम्मत नहीं करते कि हम घर से निकल के गली तक तो जाते हैं, लेकिन गली से निकल के आगे कचरा कुंडी तक नहीं जाते हम। सही हाँ, हमें मत सुस्ती आ गई हमारे अंदर, सुस्ती आ गई है। यही गाल पुछंदम जेका गाल कन पई के असा वट जेका राइट्स पइन उनन ते अमल दरामत न थोती, ओ की थिंदो अमल दरामत, असा की उजागर कई उने शे के असल आए जेको असा जो कॉन्स्टिट्यूशन आ जी जी उन में सिर्फ 37 जगह हैं कान जो के शिकू हैं उए सिर्फ कारोबार हलाने जला हैं, बाकी टोटली असाजे राइट्स जला हैं, आवाम जा राइट्स, मानुन जा राइट्स, जानवरन जा राइट्स, रस्तन जा राइट्स, बिया राइट्स, सब उन में अचन था। सही असा 199 एकड़ो कॉन्स्टिट्यूशन जो जो को आसो सेक्शन आ 199 उन में असा के हक है त असीं ऐं तव्हां वञो हाणे हाई कोर्ट में तव्हां असां जेकॾहिं चेक कंदासीं त उन में वधि जेके आहिनि सिर्फ़ु ओनली पिटीशन्स हूंदियूं लॻल हूंदियूं, भई हिन घर जी हे खिड़की वधाई आहे, हे मथे बिल्डिंग ठाहे पियो, हिन ही जेको आहे सो ज़ुल्म कयो आहे, गवर्नमेंट ही असां हिन ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं। हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केरु असां सां गॾु? हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केरु ॻाल्हाए पियो, किथां ॻाल्हाए पियो? जी जी अनम, तव्हां हैदराबाद खां ॻाल्हायो था, कीअं आहियो तव्हां? हैदराबाद जो मौसम कीअं आहे? तव्हां ख़ुशि आहियो बिल्कुलु? प्रोग्राम कीअं पियो लॻे तव्हांखे? अलहमदुल्ला, असां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं, तव्हां ॿुधायो की प्रोग्राम कीअं पियो लॻे, तव्हां कुझु पुछणु चाहींदो? थैंक यू सो मच, तव्हां एॾो कुर्ब ऐं मोहबत ॾियो था, तव्हां कुझु पुछणु चाहींदो? दादी, आउं इहे तव्हांजे सफ़ाई जे हवाले सां जी जी सफ़ाई जे हवाले सां इहा ॻाल्हि कंदसि त सफ़ाई पाण रखे थो त पोइ मतिलबु मुल्क साफ़ थो रहे थो, अगरि असां में पाण में ख़राबी हूंदी सफ़ाई जी पाण कोन कंदो ख़राबी हूंदो। आवाज़ु तव्हांजो कटिजे पियो अनम, हलो अच्छा हाणे अचे पियो, हाणे तव्हां ॿुधायो, तव्हां पुछणु चाहियो पिया असांजे जेके गेस्ट आहिनि उनखां सफ़ाई जा कहिड़ा कानून आहिनि, इहो पिया पुछणु चाहियो? अच्छा, थैंक यू सो मच, तव्हां कॉल कई ऐं असां थोरा तव्हां एतिरो मोहबत ॾियो था असांखे। जी जी एरिया साफ़ हूंदा आहिनि जेके मतिलबु वॾा सरबरा हूंदा आहिनि ऐं जेके आम आवाम हूंदी आहे उन्हनि जा मतिलबु न हूंदा आहिनि, ईअं छो हूंदो आहे? मूंखे समुझ में न आयो तव्हांजो सवाल, जेका आम आम आवाम हूंदी आहे, सवाल आहे त मतिलबु आम जेके आवाम हूंदी आहे त उन्हनि जा एरिया हमेशह मतिलबु ख़राबु हूंदा आहिनि, जेके वॾा सरबरा हूंदा आहिनि उन्हनि जा एरिया सां सफ़ाई सां हूंदा आहिनि, ईअं छो हूंदो आहे? जी जी जी, जेके काउंसलर आहिनि नाज़िम आहिनि उनकी मौजूदगी में हुनजो इहो सवाल आहे की असां वटि सफ़ाई नथी थिए ऐं जेके वॾा माण्हू आहिनि, थैंक यू सो मच अनम तव्हां कॉल कई, जेके वॾा माण्हू आहिनि हुनजो मक़सदु आहे की जेका क्रीम आहे असांजे मुल्क जी उन्हनि जे जेके एरियाज़ आहिनि उहे साफ़ हूंदा आहिनि, उनखे जो एरियाज़ आहिनि साफ़ आहिनि, जो बड़े लोग आहिनि, लेकिन जो मिडल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे आम लोग हैं, उनके एरियाज़ में सफ़ाई नहीं होती, ऐसा बिल्कुल होता भी है? आप बिल्कुल ऐसे ही होता भी है और हो रहा है इस तरह से मामला। जी जी, इसमें मैं सबसे जो अहम चीज़ है ना वो कहूँगा तालीम जी। बड़े लोगों में तालीम भी है, शऊर भी है, लोग समझते भी हैं और अच्छे प्रोग्रामों के ज़रिए भी उन्हें अवेयरनेस मिलती है कि गंदगी से हमारे कितने नुकसान हैं, बीमारियां कितनी आती हैं जी जी। तो इस हवाले से तो वो अपने एरियाज़ को बहुत अच्छा साफ भी रखते हैं, फिर सबसे बड़ा रोल उस इलाके की यूसीस का, नाजिम्स का, उनका बड़ा अच्छा रोल होता है, वो काम भी करते हैं। हमारे यहाँ जो छोटे इलाके हैं ना वहाँ जाकर पहले तो आवाम का कसूर है कि वो यूसी तक पहुँचते ही नहीं है हाँ। जाते ही नहीं है, एक दफ़ा आप जाएँ उनको बताएं उनकी गलती है, काउंसलर से बताएं सफाई करवाएं, नहीं जाते तो और भी आगे सिस्टम है जी, काउंसलर नहीं सुनता, यूसी के पास जाएं, टाउन के पास जाएं, एक सिस्टम के तहत आप जब आगे जाएंगे बढ़ेंगे तभी कुछ ना कुछ हल निकलेगा। पिछले दिनों भी इसी तरह के मामले थे, कोई सुनता ही नहीं था तो आवाम खुद शुरू हो गई थी जी जी जी, तो फिर थोड़ा गवर्नमेंट को भी ख्याल आया
जी जी इस पे हम बात जो है उसको कंटिन्यू करेंगे सर मैं तहां का भी यही सवाल कंदम पर ब्रेक जो टाइम थे ब्रेक का बाद वापस अच्छी असाइन ते ही कंटिन्यू करना सी नाज़रीन ताके बुधाइंदी हला असा सगड एडवोकेट मौजूद हैं ता पंजे जेके सवाल हैं क्यूरीज हैं ताने माइंड में ता पूछी सको ता कॉल कर सको ता तालीमी हवाले से जेके राइट्स हैं कानूनी हवाले से या जेके ता पूछन चाहे सवाल ता क्यूरीज जेके न हुए असा का पूछी सको ता फोन कर सको ता स्क्रीन ते ता के नंबर नजर इनो पर इन सगर अगर बुधाइंदी हला के ब्रेक जो टाइम थयो है ब्रेक का बाद वापस अचू ता या चका कचारी ने के असा जारी रखना सी दिसना रजो सलाम सिंध भलेकार व्यूअर्स असा वरी तहां सा गद मौजूद है एकरी नंडी साई का पो असा जेका गालियो हैं जेके इल्मी गालियो हैं जेके जिनन जे असा के अवेयरनेस ना है या उनन ते असा डिस्कशन असा जे हले पई ताके बुधाइंदी हला के असा ने प्रोग्राम के जेको तावन कयो है वो ब्लैक रोज कलर सेफ वारन कयो है ए असा आज कल लडा परेशान हुंदा है के वार असा ने सफेद थी वे उनके असा की कलर कयो है मार्केट में जेके इमिटेशन या आर्टिफिशियल कलर असा चाऊ है असा यूज करे केमिकल यूज करे असा पंजा वार खराब कंदा है पर ताके बुधाइंदी हला के हाने असा के परेशान थे जी जरूरत ना है ऐसा जो ब्लैक रोज कलर सेफ है वो इस्तेमाल करे पंजा वार जेके न वो सही तरीके सा कलर कर सकूं ता उनके 100 सैकड़ो ग्रे कवरेज जेका है वो दे सकूं ता सर हम बात कर रहे थे अस गाल है पे सफाई जे हवाले सा इन कॉन्स्टिट्यूशन जे हवाले सा तो मुख्य बुधा कि यूसी में कौमी सत्ता ते या जेके मानू सूबाई सत्ता ते उते ये थिंदो है कि असा वट इंदा इन पॉलिटिशियंस इंदा इन डिफरेंट मानू इंदा उ असा का वोट्स वठना इन थी के वायदा कना ता जो समोलो साफ कना सी गलियो साफ कना सी एंड टाइम ते असा के मतलब वोट वठन का बाद उ असा के नजर ना इंदा वरी 5 साल का बाद इंदा इन वरी 5 साल का बाद सेम गाल कना इन असा वरी बेवकूफ थी वोट दिनायो असा उनन जिला का एडी का चार्ज ना है के उनन के को डप पुजे ॾिसो हिन में हक़ीक़त त इहा आहे पहिरियां सफ़ाई ते इहो था चऊं जी 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 जीअं जेको आहे सो प्रोग्राम खां पहिरियां असांजे दोस्त हिकिड़ो मिसाल ॾिनो मां उन मिसाल खे इते ई पंहिंजे मुल्क में कंटिन्यू कयां थो जी जी तव्हां हाणे बि भावलपुर वञो जी माना नंढा नंढा शहर बि तव्हांखे ॿुधायां थो वॾा वॾा शहर बि तव्हां हाणे बि मुल्तान वञो जी तव्हां हाणे लाहौर वञो तव्हां हाणे पिशावर वञो तव्हां हाणे इस्लामाबाद वञो ठीकु आहे तव्हांखे सवाल ई पैदा न आहे जी की तव्हांजे कराची में गंद जा ढेर आहिनि तव्हांखे लाहौर में न मिलंदा जी तव्हांखे बावलपुर में गंद जा ढेर न मिलंदा तव्हांखे पिशावर में गंद जा ढेर न मिलंदा जी छा इहे की ॿिया ममालिक आहिनि छो आहिनि असांजे मुल्क जो हिसो ई आहिनि जी जी मां तव्हांखे माना हक़ीक़त इहा आहे जी त असांजी हितां जी गवर्नमेंट जी जेका हिकिड़ो मां माना माज़रत सां इहो सियासी सवाल बि थी वियो मां उनखे एॾे कंटिन्यू कयां थो त असां वटि हिते इहो तासुर अची वियो आहे त बसि हिकिड़ी गवर्नमेंट हूंदी पीपल्स पार्टी हूंदी बसि इहे ई असांखे असांजा इहे ई वॾेरा हूंदा असांजे मथां क़ाबिज़ हूंदा बसि इहो ई सिस्टम ईअं ई हलंदो माना ॿी का असां वटि अवेयरनेस न आहे ॾिसो असांजे ई मुल्क में तव्हां सुबुह क्रॉस कयो ॾिसो इन में अवेयरनेस में मां माना चवंदुसि ऐं अॼु बि चवां थो ऐं मां इन सां पैगाम बि ॾियां थो ऐं तव्हांखे रिक्वेस्ट बि कयां थो ऐं टीवी चैनल्स बिल्कुलु पंहिंजो किरदारु अदा कनि पिया बाक़ाइदे किरदारु अदा कनि पिया जिथे बि निशानदियूं आहिनि ग़लति थिए पियो गवर्नमेंट जे तरफ़ां थिए पियो त निशानदी थिए पई पर हक़ीक़त इहा आहे त को एॾो प्रेशर डेवलप न पियो थिए कानून ऐं आइन जी तव्हां ॻाल्हि कयो था त हाणे जो ताज़ो मिसाल आहे असांजे आई जी ए डी ख्वाजा साहिब जो इहो छा हुयो इहो हू चाहे पियो त मां एज़ पर मुंहिंजी जेके ड्यूटीज़ आहिनि भई मां हिन जो हिकिड़े इदारे जो हेड आहियां मुंहिंजूं जेके ड्यूटीज़ आहिनि उहे मूंखे करण ॾियो असांजी गवर्नमेंट उनखे पंहिंजी ड्यूटीज़ न पई करण ॾिए इहा हिकिड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हुई जंहिंमें हू वियो इहा आइनी पिटीशन हुई इहो असांजे कानून असांखे चवे थो त भई मां पंहिंजो कानूनी ज़िमेदारियूं पूरियूं कयां थो हीअ शइ थिए ऐं जेको आहे सो फ़ैसिलो हुनजे हक़ में आयो त भई हिनखे रहणु खपे हक़ीक़त इहा आहे त जेकॾहिं असां हर माण्हू पंहिंजी अवेयरनेस आणे ऐं मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾींदुमि अवेयरनेस ईंदी कीअं करप्शन जो त इंतिहा आहे न हिते असां वटि त इंतिहा आहे मां टियों ॾींहुं फेसबुक ते हिकिड़ो सोशल मीडिया हिन वक़्तु वॾी फास्ट थी वई आहे असांखे सोशल मीडिया जो सहारो वठणु खपे हाणे त उन ते हुन चाइना जे जेको आहे सो वज़ीर आज़म चयो त हिकिड़ो मोहक हुयो तमामु वॾो उन चयो त भई तव्हांजो पाकिस्तान तरक़ी कीअं कंदो
असां पंहिंजे मुल्क जे आज़ादी खां हिन वक़्त ताईं 300 ऐं कुझु मिनिस्टर्स ऐं माण्हुनि खे फांसी जी सज़ाऊं ॾेई चुका आहियूं। 300 अबो माण्हुनि खे असां फांसी ॾेई चुका आहियूं करप्शन जे ख़िलाफ़ु। तव्हां कुझु बि कोन कयो, तव्हां कीअं तरक़ी कंदव? ॾिसो न, तरक़ी जो मक़सदु ई इहो इहे शयूं आहिनि। जेकॾहिं इहे शयूं असां नथा रोके सघूं ऐं तव्हां वारी ॻाल्हि, असां अवेयरनेस एतिरी नथा पैदा करे सघूं, ऐं इहो वरी असां जंहिं इलाइक़े में, मां कराची में रहंदो आहियां, उन में हिकिड़े उन एम पीअ खे अॼु 9 साल पूरो थी वियो आहे, उहो कॾहिं हल्के में आयो ई कोन्हे को। 9 सालनि में जेको माण्हू पंहिंजे हल्के जे कंहिं जॻह ते न अचे, उनखे छाजो वोट ॾियूं? सही, मां पंहिंजे सभिनी भाइरनि खे चवां थो, सिंधी हुजे, उर्दू हुजे, पंजाबी हुजे, असांजी अवेयरनेस न आहे, असांजी एडुकेशन जी अवेयरनेस न आहे। असांजो एडुकेशनल माण्हू जेको प्रोफेसर आहे, लेक्चरर आहे, ऐं सीए आहे, ॿियूं नौकरियूं करे पियो, एडवोकेट आहे, डे ऑफ इलेक्शन घर सुतो पियो आहे। वॾो ज़ुल्म हुनजे लाइ चार्ज न आहे, त हुन पंहिंजी चौरदीवारी, हुन पंहिंजी चौधीवारी खे सम्झो आहे त हीअ मुंहिंजी जन्नत आहे। हुन जे तव्हां घर में अंदरि दाख़िल थींदव त सभु सहूलतूं आहिनि, उन खां ॿाहिरि निकिरंदो हुनजो कहिड़ो कमु हो थो चए, पर हुन ते ज़िमेदारी आहे। हू खल खाले खे ख़ुदा पैदा ई न करे कयो आहे, तव्हां ज़िमेदार करे पैदा कयो आहे। हर माण्हू जी पंहिंजी ज़िमेदारी आहे, जेसीं ताईं इहा पूरी न कंदासीं, मां चवां थो त हिकिड़ो एॾी ख़्वाजा वियो, खोड़ सारियूं अहिड़ियूं पिटिशनूं आहिनि तव्हांजूं जेके आहिनि से हाई कोर्ट में पयूं आहिनि, जिन्हनि ते स्टे ते सभु माण्हू हलनि पिया। जेकॾहिं हर माण्हू पंहिंजे हक़ जे लाइ, मां चवां थो खोड़ सारियूं तनज़ीमूं आहिनि, खोड़ सारी एनजीओस आहिनि, खोड़ सारा वकील आहिनि, तव्हां अचो तव्हांखे मुफ़्त में वकील मिली वेंदो। इहो हाणे डप कोन्हे, हाणे इहो शयूं कोन्हनि त असांखे फलाणो वॾो वकील करिणो आहे, साईं हुनखे 15 लख रुपया ॾियणा आहिनि, पोइ हाई कोर्ट में पेश थींदो। न, इन ते मुंहिंजे माइंड में सवाल है, मां तव्हांखां पुछंदमि, पर मां सर सां पुछी वठां। हम बात करें पॉलिटिशियंस की, कि हम लोग फिर से वो उनको वोट देते हैं, वो आ जाते हैं, ये एक मतलब फरमान है या एक सूरा है कि जैसे आप लोग खुद होते हैं, आपके ऊपर पॉलिटिशियंस या आपके ऊपर जो बादशाह हैं वो भी वैसे ही आते हैं, तो हमारी पहले हमें खुद की इसलाह कैसे करनी चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि खुद की इसलाह हमें खुद देखना चाहिए कि हम वोट किसको डाल रहे हैं, उसकी कारकर्दगी क्या है। कि वो सोते रहते हैं और वो आते नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बात ऐसी है कि वोट के दिनों के अंदर तो हर गली गली में आएंगे और वादे भी करेंगे जी, कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन वो वोट लेने के बाद दोबारा पलट के भी नहीं आते। जब ये चीजों को आवाम को चाहिए कि देखें कि वो लोग हमारे साथ क्या रवैया करते हैं इलेक्शन के बाद। एरियाज होते हैं उनके घरों के, एरियाज में लाइट नहीं जाती, वहाँ वो सहूलतें होती हैं, वो एक मखसूस जगह होती है जहाँ वो खुद रह रहे होते हैं। जी जी, यही पूछ रही हूँ। बाकी जो पूरा हल्का होता है वो तारीकी में डूबा हुआ होता है, पूरा हल्का तारीकी में डूबा होगा, जहाँ वो खुद रह रहे होंगे वहाँ तो सारे डिपार्टमेंट जो है ना वो एक्टिव होंगे कि जी यहाँ एमपीए साहब रहते हैं, एमएनए साहब रहते हैं, तो इनको परेशानी ना हो जी। और इनके लिए कोई लॉ नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ तो लॉ पे तो बात वही है ना कि अमल दरामद कैसे होगा जी, लॉ तो हर चीज का है, लेकिन हमारी आवाम को जब पता चलेगा कि लॉ है तो वो एटलीस्ट खड़े तो हो सकेंगे ना, कि हमारी ये हमारी अपनी गलती है ना, हम खड़े नहीं होते जी, हम किसी चीज के जो गलत हो रहा है उसके लिए खड़े हों। आप क्या कर सकते हैं, आप जो एडवोकेट्स हैं, आप आवाम के लिए मतलब इस लिहाज से? हमारे, मैं अपना एक वेलफेयर अदारा चलाता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं इसी मामलात के अंदर, हम कोर्ट्स के अंदर उनकी पिटीशंस भी लगाते हैं, उनके मामलात को भी हल करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं जी। लोगों के जहन में एक और चीज भी होती है कि जी हम वकील हायर करेंगे, मुझे बताएं, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को लेके, लोगों को लेके पहुंच जाऊंगी, इतने सारे मसले हमारे मुल्क में। पीस वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। अच्छा, और हम तकरीबन 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको तो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लीगल कंसल्टेशन भी देते हैं, और हमारा हेल्थ सेंटर भी है, सही, और मुख्तलिफ हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम आवाम को कोशिश करते हैं, जितना हम अपना रोल अदा कर सकें वो रोल अदा करते हैं, बाकी तो कोशिश हमारा काम करना है, बाकी अल्लाह ताला उसे मंजिल तक पहुँचाता है। और इसी तरीके से जब आवाम थोड़ा बाहर निकले, खड़ा हो अपने हकूक़ के लिए, तभी कुछ मिलेगा जी जी जी। और एक वो मिसाल है कि जब हमारी आवाम जो है वो नान और चने और बिरयानी के ऊपर वोट दे देगी, हाँ, तो वो फिर कैसे मुमकिन है कि वो आगे जाके मामलात बेहतर हो। सर,
इसके लिहाज से मैं ये इतना कहूंगी कि मतलब मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कानून के बारे में। सर तान इंतिशा चंदो का अवेयरनेस हुजन घुर्जे की खबर पे असा के असा भी पॉलिटिशियंस थे जेके उन्होंने लॉ या असा उन्होंने केस कर सकूं था अगर असाजे एरिया में लाइट ना है उन्होंने वट लाइट है या ये बेसिक शूं उन्होंने वट कुछ शूं असा वट ना तो असा कि फाइट था कर सकूं। ॾिसो माना हक़ीक़त इहा आहे त हीअ माण्हू जंहिंमहिल खटी अचनि था पोइ वरी को हिकिड़ो रोड ठाराए का हिकिड़ी शइ ठाराए वरी पोइ बसि इहो त साबित कनि त बसि असां जेको आहे सो सभु कुझु करे इहो त असांजो आइनी हक़ु आहे इहो त असांजो राइट आहे त इन ते त का शइ कान्हे का बाक़ी हुन शइ ते असीं अचूं था। ॾिसो मां वरी उते ईंदमि जीअं तव्हां चयो मां तव्हांखे ॿुधायां त हाणे हिते असां वटि डिफेंस आहे कराची में तव्हां डिफेंस में वञो जेको अदी जो सवाल बि हुयो हैदराबाद वारी जो त वॾनि माण्हुनि ऐं नंढनि माण्हुनि ठीक ठाक आहियो अलहमदिल्ला तव्हां कीअं आहियो अलहमदिल्ला असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं ऐं प्रोग्राम कीअं पियो लॻे तव्हांखे प्रोग्राम इलाही सुठो पियो लॻे इलाही इंफॉर्मेटिव आहे इलाही सेंसिटिव इशूस तव्हां डिस्कस था कयो जेको मूंखे कॉल करण ते मजबूर पियो करे त मां एक्सपर्ट सर वारनि खां इहो सवाल कयां। जी जी तव्हां सवाल थोरो फनी आहे पर मुंहिंजे ज़हन में आयो त मां चयमि हिन सवाल जी मतिलबु मूंखे हिन जो जवाबु मिली वञे त मुंहिंजी बि हिकिड़ी रहनुमाई थी। मां तव्हांखे इहो चवंदमि की को सवाल फनी या नंढड़ो न आहे हूंदो असां अगरि सवाल जेके आहिनि पुछणु बंदि करे छॾंदासीं त असांजी जेके नसलूं आहिनि उहे बेल में पैदा थींदियूं असांखे सवाल पुछणु घुरिजनि तव्हां पुछो बिल्कुलु जेको बि सवाल आहे एक्जेक्टली अच्छा सर खां मूंखे इहो सवाल पुछणो आहे पहिरियों त इहो सवाल आहे की असां वटि नॉइस पोल्यूशन इलाही डे बाय डे जेको आहे वधंदी पियो वञे न जी जी असां पंहिंजे घर में आराम वारी हिन में हूंदा आहियूं पोज़ीशन में हूंदा आहियूं त जेके असांजा हिकिड़ा वेंडर्स जेके हूंदा आहिनि वॾे वॾे आवाज़ ते लाउड स्पीकर्स लॻाए करे ऐं उहे पंहिंजे सेल जी प्रोडक्ट्स सेल कंदा आहिनि त हुननि खे मतिलबु हुननि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त कोई आराम या कोई एतिरो थकियल आहे जॉब करे थो अचे हुननि जी निंड इहे सभु शयूं जेके आहिनि मैटर कनि थियूं पर एतिरो नॉइस हुनजो वॉल्यूम एतिरो हूंदो आहे स्पीकर्स जो तव्हांजो जेके निंड में इलाही डिस्टर्बंस पैदा करे थी त इन्हनि जे लाइ बि कोई लॉज़ आहिनि जंहिंमें असांजी नॉइस पोल्यूशन खे कंट्रोल कयो वञे के जेके असांजा अचनि था रोज़गार जे हवाले सां कुझु रोज़गार जो हिकिड़ो सिस्टम ठाहियो वञे जेके गली गली खे घुमनि था ऐं वॾा वॾा स्टिकर्स यूज़ करे नंढियूं नंढियूं प्रोडक्ट्स खे सेल था कनि त इन्हनि जो छा लॉज़ आहे इन्हनि जो छा कॉन्स्टिट्यूट आहे कहिड़ा ठहियल आहिनि ऐं ॿियो मुंहिंजो सरवारनि खां इहो सवालु आहे की असां जॾहिं बि इन हवाले सां चवंदा आहियूं त असां जेको आहे लॉज़ खे इम्प्लीमेंट कराइण जे लाइ असांखे एडवोकेट जी ज़रूरत पवंदी आहे त असां इहो ॿुधी करे इलाही जेको आहे हिकिड़ो हार्ड थी वेंदा आहियूं की असांखे एॾी फीस खे असां अफोर्ड नथा करे सघूं ऐं असां और हिकिड़ा असांजा पंहिंजा जेके जेन्युइन जेके इशूज़ आहिनि उहे डिस्कस नथा करनि ताईं असांजी अप्रोच कोन्हे का असांजे माइंड में इहा हूंदी आहे त हिकिड़ो वकील करण बि वॾी हिकिड़ी जेकी आहे कठिन हिकिड़ो मरहलो आहे त सर वारनि मतिलबु इहा शइ मूंखे क्लियर कनि की हिकिड़ो असांजा जेके नंढा नंढा इशूज़ आहिनि उहे वॾे वॾे हिकिड़े तूफ़ान खे जनम ॾींदा आहिनि त छा अहिड़ो कोई मैकेनिज़म कोन्हे को त असां उन्हनि शयुनि खे स्टार्ट आउट कयूं राधर देन खे उहो वञी करे वॾी तबाही ॾांहुं वञनि डिस्ट्रक्शन वारे उन एटीट्यूड में वञनि या हिकिड़ी तबाही जो हिकिड़ो मंज़रनामो पेश कनि त मुंहिंजी इहा इस्लाह कई वञे मां थैंकफुल हूंदमि सर वारनि जी। जी 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 इन जो बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु सही सवाल कया आहिनि ऐं असां इन जो जेको जवाबु आहे तव्हांखे ॾींदासीं ब्रेक खां बाद छो त जवाब में बि तव्हांजो जेको सवालु आहे उहो अञा वॾो हुजे त मुख़्तसिर जवाबु असां न ॾेई सघूं ऐं सर तव्हां ॻाल्हि कई पई तव्हां हुनखे कंटिन्यू कयो थैंक यू सो मच तव्हां कॉल कई असां थोराए था आहियूं तव्हांजा हुन अदी चयो त जेको आहे सो पंहिंजो जेके वॾा वी आई पीस आहिनि उन्हनि वटि अलॻि हूंदो आहे असल में नॉइस पॉल्यूशन जी उन ॻाल्हि कई जी उनमें हाणे उहो उन्हनि पंहिंजो हिकिड़ो खितो ठाहे छॾियो आहे जी तव्हांजी डिफेंस में पूरी माना सिंध त मां नथो चवां पर पाकिस्तान जा पूरी सिंध जा जेके बि एम पी एस एम एन एस आहिनि डिफेंस में रहनि था न उन्हनि खे बिजली जी ज़रूरत
न उन्हनि खे कंहिं ॿी शइ जी ज़रूरत, उन्हनि जा रोड बि साफ़ु सुथिरा, उन्हनि जूं बिजली बि 24 कलाक हले, उन्हनि जूं सभु सहूलतूं उन्हनि खे मिलियल आहिनि। हू हल्कनि में किथे आहिनि जी? तव्हां ॾिसो त माना उहे उन्हनि पंहिंजा हिकिड़ा मखसूस इलाइक़ा ठाहिया आहिनि, जेको बर्गर क्लास आहे वॾो क्लास आहे, जेको उन अहिड़े क़िस्म जा इलाइक़ा ठाहिया आहिनि जिते हू अची रहनि था सुकून सां, ऐं उहे बि अधु साल हिते रहनि था, अधु साल तव्हांजा दुबई ऐं जेको आहे यूएस उहे ॾहनि था रहनि। ॾिसो हक़ीक़त इहा आहे त हाणे कुझु न कुझु सुजाॻी आई आहे, मां चवां थो 100% न, पर कुझु न कुझु असांजे इंटीरियर सिंध में इंक्लूडिंग कराची सुजाॻी एतिरी आई आहे त न बाबा, ऐं हर माण्हू हाणे सोचे पियो त उन माण्हूअ खे कतान वोट न ॾियो जेको ॿीहर मोटी कोन पियो अचे। त इन्हनि जे लाइ बि बिल्कुलु 100% जीअं तव्हां चयो, मां जंहिं उन में रहां थो, पर असल इहो आहे त असांजा इशूज़ बि पंहिंजी जाइ ते, उन में ॾुआरी मां बि आहियां ऐं मुंहिंजे क्लेबर जी सोसाइटी जेका आहे उहा ॾुआरी आहे, त मुंहिंजे हद जो छो आम जेकॾहिं तव्हां राया खे वठंदो त उन्हनि सां त वॾा प्रॉब्लम आहिनि। पंजवीह हज़ार पघार, 20,000 पघार, उन्हनि जा मसाइल, बिजलियुनि जा बिल, ॿिया हुननि वटि न टाइम आहे, जे टाइम था कढनि त बच्चा भुख था मरनि, जे ॿियूं कोई शयूं था कनि, हिननि माण्हुनि जे कढ लॻनि था पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन जे हवाले सां त हिननि ग़लति कयो आहे, त हुननि जो हू पाण सफ़र पिया कनि, उनजे करे हिननि हिकिड़ो अहिड़ो निज़ाम ठाहियो आहे असांजे माण्हुनि खे हेठि करण जो, माना जेको अछा वरी जेको एॾो हेठि उन्हनि खे करे छॾियो अथऊं जो हू पहुची कोन पिया सघनि। मुंहिंजे माइंड में हिकिड़ी ॻाल्हि आहे की असां एजुकेशन जेका प्रॉपर ॾींदासीं ॿारनि खे गवर्नमेंट स्कूल्स में, त हू जॾहिं एजुकेटेड हूंदा उन्हनि खे पंहिंजा राइट्स ख़बर हूंदा, राइट्स ख़बर हूंदा त हू हितां पकड़ींदा गवर्नमेंट खे की असांजा ही राइट्स आहिनि, असांखे ही शइ खपे। बिल्कुलु इहो इन ते असांजा वधीक ॻाल्हाईंदासीं सर सां, मां ॻाल्हाईंदमि। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदी अलाए वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़ी साई जो, असां वञूं था हिकिड़े ब्रेक ते ऐं वापसि अचूं था। असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भलीकार हिकु दफ़ा ॿीहर सलाम सिंध जी जेका सॼी सतह तव्हांजे अॻियां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे। असांजी जेका कचहरी आहे उहा हले पई, असांजी जेका इल्मी कचहरी आहे उहा जारी ऐं सारी आहे। असांजा सवाल जवाब जेके आहिनि एडवोकेट असांजे प्रोग्राम में ॼाया आहिनि, जिन्हनि खां असां कानून असांजे मुल्क में छा आहे उन ते असां पुछी रहिया आहियूं, सवाल जवाब हली रहिया आहिनि। तव्हां ॿुधायो पिए सर, जेको नॉइस पॉल्यूशन आहे उन ते तव्हां ज़िक्र कयो पिए, उन जे हवाले सां मां सर खां पुछंदमि। सर, नॉइस पॉल्यूशन जो है इसके ऊपर कोई लॉ है? अगरि कोई शोर करे जलसों में, बेजा शोर करे, बिल्कुल इसका कानून है बाकायदा, इसका जो है लाउड स्पीकर एक्ट के तहत जो है अगर कोई इलाके के अंदर ऐसा कोई एक्टिविटीज़ हैं तो बर वक्त जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और पुलिस जो है उसके ऊपर अमल दरामद कर सकती है, उसको बंद करवा सकती है बगैर परमिशन लिए। तो लाउड स्पीकर भी अलाउ नहीं है, मस्जिदों के अंदर भी अलाउ नहीं होता। अच्छा, इनकी भी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ मामला ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो किसी से परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो खुद ही अपनी गली मोहल्लों के अंदर जो है वो बड़े बड़े स्पीकर लगा के, तो जो दीगर बीमार लोग हैं वो बेचारे अस्पतालों में चल जाते हैं। जी जी जी। और जो बुजुर्ग ऐसे लोग जो शोर नहीं बर्दाश्त कर सकते, शोर नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको सुनना पड़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल होता है ऐसा। और बहुत से लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लॉ तो हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल है जी, लेकिन लॉ हमारे यहाँ उनके लिए चलता है जो बेचारे गरीब हैं, जो बड़े बड़े इतने बड़े प्रोग्राम कराते हैं वो वैसे ही जाके, उनको परमिशन की जरूरत ही नहीं है जी। ये भी हमारे पास ऐसा क्यों है, हम कॉम्प्लेक्स में क्यों होते हैं हम लोग जो हैं? अगर कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसे जो ट्रैफिक कांस्टेबल है उसको नहीं रोकेगा, एक बच्चा बाइक पे आ रहा है सब्जी लेके तो उसको रोकेंगे, उससे पैसे भी लेंगे, ये ऐसा क्यों है? देखिए हमारे सिस्टम इस टाइप का चल रहा है ना कि वो सिस्टम के अंदर आके जब वो बच्चा मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वो बच्चा क्या उसको नहीं बोल सकता कि ये कानून नहीं है कि आप मुझसे पैसे नहीं ले सकते, या ये मैं ये चार्ज आप पे, ये लॉ है हमारे मुल्क में कि मेरा ये राइट है, आप मुझे नहीं रोक सकते, आप उस गाड़ी को रोकें। बात वही है कि अवेयरनेस जी, जब आप एक अवेयरनेस किसी को देंगे बताएंगे तो उसको पता होगा मेरे पास ये कानूनी हक है जी। और गलती हमारी भी होती है कि बच्चे को हम 18 साल से पहले ही मोटरसाइकिल दे देते हैं। हाँ। तो हमारे जो सिस्टम है लॉ है वो 18 साल के बाद जब उसका एक NIC बन जाए, उसका लाइसेंस बन जाए, आप उसके बाद दें। हाँ। और आमतौर पर यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो सिर्फ आप वालदेन को भी कभी कभार मालूम नहीं होता
कि वो मोटरसाइकिल इस तरीके से लेके जाते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर हादसा भी हो जाते हैं। पूछना चाह रही थी, जी जी, वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, सीव्यू पे अक्सर मुकाबले हो रहे होते हैं, सीव्यू पे भी करते हैं, और भी इशारा फैसल हमारी बॉडी उसमें डेथ्स हो जाती है, डेथ्स हो जाती है, तो वो वालदैन को बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा। जी जी जी, तो पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है, और मतलब बिल्कुल पुलिस तो देखे ना, जब कोई ऐसी अहम दिन आते हैं हमारे यहाँ तो पुलिस उस वक्त तो एक्टिव होती है, उस पर काम करते हैं, उस पर पकड़ते हैं, उनको गाड़ियाँ भी बंद करते हैं, उनको पनिश भी करते हैं, लेकिन ये काम वालदैन का ज़्यादा है जी, कि वालदैन जो है वो बच्चों पे नज़र भी रखें कि वो मोटरसाइकिल लेके दे रहे हैं या घर में खड़ी करके जा रहे हैं, या बच्चे ऐसे भी बगैर बताए भी चले जाते हैं। हाँ, इसकी लेकिन वो उससे जानी नुकसान भी होती है। जी सर, जानी नुकसान भी होता है, इसकी अवेयरनेस के लिए जो मतलब मीडिया है वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, वो डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आप वन व्हीलिंग ना करवाएं, बच्चे जो हैं उनको इजाजत ना दें, बाइक ना दें, छोटे छोटे बच्चे हैं, या उनको अपनी जान की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। कानून इस हवाले से क्या कर रहा है? कानून तो हरकत में उस वक्त आता है जब कोई हादसा हो जाता है जी, होने के बाद आता है, उसके बाद आता है, उससे पहले कानून जो है ना वो सोया हुआ होता है। ऐसा क्यों है? असल में कुछ गलतियां आवाम की हैं, कुछ कानून की हैं। कानून अगर सही तरीके से अमल दरामद कराना चाहे तो मेरे ख्याल में इतनी आवाम के अंदर जरूरत नहीं है कि वो उस पर अमल ना करें। जी जी जी, लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना असल मसला है। जी सही सही सही, भाई अमल दरामद कराने के लिए हमें ऐसे हुक्मरान और ऐसे अफसरान और ऐसे हमारे पास अमल दरामद कराने वाले स्टाफ और हमारे पुलिस के अच्छे लोग चाहिए जो उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। जी मतलब आप जो लॉयर्स हैं, आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो आवाम है, उसको आप अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं, कुछ ऐसे फॉर्म भरवा के या कुछ किसी तरीके से? देखें, ये इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने चाहिए, जिसके अंदर बताना चाहिए यंग लोगों को कि आपकी क्या उनके राइट्स हैं। हाँ। और किस तरीके से आप कितने आगे बात कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और कौन सी नहीं कर सकते, जिसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है। यहाँ यूथ के हवाले से इतने अवेयरनेस प्रोग्राम होते नहीं है, यूथ खुद ही कर रहे होते हैं आपस के अंदर, वॉलंटियरली कर रहे होते हैं, या वो फिर कुछ महकमों के साथ मिलके अपने ही मामला यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के मिलके करते हैं। जी जी, इसके अंदर असल रोल गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ तरीके से रखें, मतलब वो एनुअली प्रोग्राम हो, एनुअली प्रोग्राम हो या सहमाही प्रोग्राम हो जी, या उनके मतलब निज़ाम में ऐसा कोई सिस्टम करें, या उनको एक एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पर या कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिसके अंदर यूथ को पता हो कि मेरे राइट्स क्या हैं। देखिए, मामला वहीं बिगड़ता जब यूथ को राइट पता नहीं होते जी जी। और सामने जो है वो पुलिस उसको रोकती है, वो यूथ जो है फिर आपस में झगड़ा हो जाता है। जी जी जी, जब झगड़ा होता है तो मामला मजीद बिगड़ जाते हैं। हाँ। और जो नहीं पकड़ में आते वो फिर वन व्हीलिंग और फिर वो रॉन्ग साइड, और उनके लिए कोई कानून भी है तो हमें पता नहीं है कि ये कानून है, हम उसको रोक सकते हैं। जी हाँ, कानून तो है, रोक सकते हैं, लेकिन बात वही है जो काबू में आएगा उसके ऊपर तो सारे कानून है। हाँ। जो पकड़ में आएगा कानून है, जो नहीं है पकड़ में आएगा जो, वो उसके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं, अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, हमारे यहाँ अच्छे पुलिस अफसरान भी आ रहे हैं। जी जी, और उसमें मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक अच्छा मतलब ये कि आवाम को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी बनाएं और दें और करें, ताकि ट्रैफिक के हवाले से उनको कानून पता हो। जी जी, हमारे यहाँ खास तौर पर कराची की ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो गुजरना तो बहुत मुश्किल काम है कि जो आधे घंटे का सफर है वो दो दो तीन तीन घंटे में होता है। हाँ, वो हो रहा है बिल्कुल। उसी को फिर जो है ना, गलत लोग जो है ना ट्रैफिक से जब परेशान होते हैं तो फिर वो फुटपाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड जा रहा है, कोई पैदल जाने वालों को परेशानी। तो इस तरीके से अगर हम मतलब ये कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे थोड़ा एक्टिव रोल अदा करें तो बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। बस ये कि थोड़ा सा जागने की जरूरत है, हमने थोड़ा जागने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा जागने की जरूरत है, ताकि ता जागो है, ता पंजे राइट्स ला दिसो के असा केड़ा केड़ा राइट्स हैं, जे के असा ने वेजे वेजे कोर्ट्स हैं, उनमें वनी ता वकीलन सा पूछी सगो ता, उनन का ता जे के क्यूरीज हैं, ता हाने भी पूछी सगो ता पर बाद में पूछी सगो ता के असा ने केड़ा राइट्स हैं, असा के छा है जे को करण गुर्जे, छा है जे को न करण गुर्जे। असा जे का गुफ्तगु है वो हले पई, ता मके ये बुदायो सर, ता म्यूजिक बुदना आयो, ता आप सुनते म्यूजिक? बहुत कम सुनता हूं, कम सुनते हैं। yeah. लेकिन आज हम आपको थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सुनवाएंगे। म्यूजिक असा बुधना सी, उन्हें का बात पानी जगह गाल है, उन्हें के जारी रखना सी। छा बुधाई ना सके मोरम नाज असा जा भाजी के ना सके, जो माशाल्लाह सुठी गालियों चन पियु। जी जी, मसलन जे मथा असा गलाई पिया है, हमेशा वडो अरसो थियो गलाई दादा रहूं। जी जी, प्रैक्टिकली अल्लाह कंदो थिंदा सी, पर हाने वे थोड़ो जी चंदान त आशिकी माशकू जी भी गाल कजे, प्यार मोहब्बत जी भी गाल कजे,
अगर माशरे में प्यार मोहब्बत की गाल हुंदी भाईचारे की गाल हुंदी पॉजिटिव जो को आसो मैसेज मिलो सो अली गुसान साहब शायरी आए सोनो सजन लगे जो मुखे निकाल करम जी पोया चंद जी जी Thank you.
नात कहड़ी तारी पमाली गुले हुन जी कयात कहड़ी खुशबू तुन जी सांगी आहे गुलाब में खुशबू तुन जी सांगी आहे गुलाब में ककरन जे पोया चंडवा ककरन जे पोया चंडवा जण को हिजाब में सुहणो सजण लगे तो मूंखे नका जबरदस्त जबरदस्त ऐं ॾाढो सुठो नाज़रीन तव्हांखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो असां कोशिशि कंदा आहियूं की असांजी जेका गुफ़्तगू आहे उहा इल्मी हुजे उन में असांखे कुझु अवेयरनेस हुजे उन सां गॾोगॾु जेको आहे उहो म्यूज़िक बि तमामु ज़रूरी आहे असांजी रूह जी ग़िज़ा आहे तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की वक़्तु थियो हिकिड़ी नंढड़ी साई जो असां वञूं था हिकिड़े नंढड़े वक़फ़े ते वापसि अचूं था ऐं असांजी जेका कचहरी हिनखे जारी ऐं सारी रखंदासीं असां गॾु रहिजो ऐं ॾिसां रहिजो सलाम सिंध भलीकार व्यूवर्स यकीन तव्हां सलाम सिंध ॾिसंदा हूंदव ऐं तव्हां कुझु न कुझु अवेयरनेस तव्हांखे आई हूंदी की असांजा ई राइट्स आहिनि असांखे हिननि ते कमु करिणो आहे छा करिणो आहे असां मुंहिंजे माइंड में इलाही सारा अञा सवाल आहिनि पर वक़्तु सफ़ा थोरो आहे त मां जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि खां पुछंदी हलां की असां वटि कहिड़ा कहिड़ा राइट्स आहिनि जेके ह्यूमन राइट्स आहिनि मां इलाही सारा इशूज़ आहिनि जेके माइंड में आहिनि पर मां नॉइज़ पॉल्यूशन जो असां ॻाल्हि कई पिए थोरी घणी तव्हां मुख़्तसिर अदड़ी जेका फ़ोन कयो असांखे उनखे तव्हां जवाबु ॾेई छॾियो साईं बि उनजो जवाबु ॾेई छॾियो त उनजो हिकिड़ो एक्ट आहे ऐं उनजे ख़िलाफ़ एफ आई आर दाख़िल थी सघे थी सिर्फ़ु तव्हांजी एप्लीकेशन उते मूव करणु ॿियो अदी जो सवालु हुयो त असांजे लाइ गरियूं फ़ीयूं आहिनि वकीलनि जूं असां नथा भरे सघूं त असां पंहिंजो असल में तव्हांखे कानून में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हर माण्हूअ जो राइट आहे त हू इन पर्सन कंहिं बि कोर्ट में पेश थी सघे थो हेठी कोर्ट खां वेंदे सुप्रीम कोर्ट ताईं तव्हां पंहिंजो केस पाण विढ़ी सघो था पाण विढ़ी सघो था उन में अंग्रेज़ी जी शिक ज़रूरी कान्हे का त तव्हांजी एप्लीकेशन अंग्रेज़ी में वकील ठाहे ॾिए या कुझु जहिड़े क़िस्म जी तव्हांजी एप्लीकेशन तव्हां लिखी सघो था उहा वञी कोर्ट में जमो करायो तव्हांजो केस दाख़िल थी वियो तव्हां पाण इन पर्सन विढ़ो कंहिं फीस जी ज़रूरत कान्हे का कंहिं उन खां बाद जेको उनखे भुगतणो पए अगरि हू पंहिंजो को अहिड़ो केस विड़े को आम इंसान उनजे लाइ न आहे को बि कोन्हे को ॾिसो तव्हां जंहिं पंहिंजे लीगल राइट्स जे लाइ वञो था उनमें तव्हांजी अवेयरनेस सॼी मुकमिल हूंदी तव्हांजो को बि राइट आहे त उहो को अॻियों माण्हू या गवर्नमेंट अदरवाइज़ का गवर्नमेंट बि तव्हांजो राइट मारे थी त उनजे लाइ तव्हां इन पर्सन उन जूं सभु जेके आहिनि फैक्ट्स तव्हांखे ख़बर हूंदा तव्हांखे उन जा लवाज़मात ख़बर हूंदा असां उहो पढ़ंदासीं कीअं उहो किताब आहिनि असां कीअं पढ़ंदासीं कंहिं बारे में किताब न हूंदो आहे किताब पेश कयो वेंदो आहे सिर्फ़ु सही तव्हां जेको वेंदव तव्हां पंहिंजे राइट्स जे लाइ जेको वेंदव उहो जेको तव्हां लिखंदव उहो उते जंहिंमहिल जज साहिब जे साम्हूं वेंदो उहो ऑटोमेटिकली ला में तव्हांखे इजाज़त हूंदी अच्छा उहो ऑटोमेटिकली उन में हूंदो उनजा हू जवाबु ॾींदा ऐं तव्हां खां पुछाणो थींदो त तव्हां सां कहिड़ो मसइलो आहे असां उहो तव्हांजो सॉल्व कयूं था जज जो सवाल इहो हूंदो त मुंहिंजो हीउ मसइलो आहे उहो आइन कानून या उन में लॉ ॾियण जी आहे जेके किताब ॾिसंदा आहियो इन्हनि ॾियण जी ज़रूरत उन में न आहे सिंपल तव्हांजो उहो सिर्फ़ु फैक्ट आहे तव्हांजी जेका आहे उहो मसइलो आहे उन मसइले ते तव्हां उनखे चवंदव उन मसइले ते तव्हां इन पर्सन पंहिंजो हर केस विढ़ी सघो था पाण विढ़ी सघो था सुप्रीम कोर्ट सर मां तव्हां खां आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि जो केस हम लोग किसी पे भी कोई आम इंसान केस करता है उसको 20-20 साल लग जाते हैं 25 साल वो लोग मर जाते हैं केस करने वाले वो इंसाफ नहीं मिलता हमें हम अदालत जो है उसको कैसे इंसाफ का कैसे समझें हम कैसे उसको आवाम का और अदालत का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे बिल्डअप करें एक वो एतबार का रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं देखिए
कोर्ट का एक अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर कभी कभार बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जिसकी वजह से देर लगती है, ताखीर हो जाती है, ताखीर इसी कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से ताखीर होती है जी। और कभी कभार जो कंप्लेनेंट होता है वो भी पेश नहीं होता कोर्ट के अंदर, जाते नहीं है वो भी, मतलब ये 6 महीने बाद एक दफ़ा चले गए, फिर उनको याद आया जी अब ये केस हमारा चल रहा है, फिर वो दोबारा से केस को शुरू करते हैं। तो गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, कोर्ट की लेट तो होता है, हम इल्ज़ाम कोर्ट को दे देते हैं जी कोर्ट के अंदर मामला ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलतियां हमारी अपनी भी होती हैं। अगर हम केस को पीछे से सही तरीके से लेके चल रहे हैं, उसको सही पीछे उसकी पैरवी भी हो रही है, उसको हम कंटिन्यू लेके चलें तो वो देर नहीं लगती। अच्छा, लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि बहुत ताखीर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम जल्दी से और कम उसमें कीमत में, जैसे होता है ना हम बड़े बड़े, काफ़ी लोग होते हैं जो बड़े बड़े कीमतें नहीं अदा कर सकते, तो वो कैसे जो केस हैं वो कर सकते हैं, और उनको कैसे इंसाफ, सस्ता इंसाफ कैसे मिल सकता है? देखिए इंसाफ तो होता ही सस्ता है जी, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं होता, हमारे मुल्क में नहीं होता जी। लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा। हमारे मुल्क में बहुत से वेलफेयर इदारे भी बने हुए हैं जी जी, और बहुत से ऐसे जैसे हमारे भाई ने जिक्र किया है कि अभी अगर आप वकील के पास भी नहीं जाएं, आप खुद अपने तौर के ऊपर कोर्ट के अंदर पेश हो सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दें कोर्ट को कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, फला महकमा या फला शख्स मेरे से ज्यादती कर रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है। लेकिन अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ऐसा है कि कोई लॉ है कि उसको थोड़ा, मतलब ये है कि कोई वकील उसके बिना पे लड़ सकता है, ऐसे ही गवर्नमेंट? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो ऐसे वकील भी मौजूद हैं, हम लोग खुद करते हैं ऐसा काम, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं और उनकी केसेस को चलाते भी हैं जी, और उनके ऊपर अच्छा रिजल्ट आता है, कोर्ट उसके ऊपर अच्छा फैसला भी करती है। सही सही सही। लेकिन बात ये है कि अवेयरनेस के ऊपर चली जाती है फिर वही बात, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हम खुद भी अकेले भी हम बगैर वकील के भी जा सकते हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर, मां तव्हां खां बि पुछंदमि, औरतुनि जा जेके बेसिक राइट्स आहिनि उहे छा आहिनि असां वटि, ऐं छा आहिनि जी वॉयलेंस आहे उन जे अगेंस्ट कहिड़ो लॉ आहे, असां छा था करे सघूं जेके औरतूं आहिनि? ॾिसो न, औरतुनि जे हवाले सां त इस्लाम में बि औरतुनि जा बराबरि जा हक़ आहिनि, हिन ते त असांजी का ॿी राय आहे ई कान। नंबर ॿी ॻाल्हि, हाणे पंहिंजो परवेज़ मुशरफ़ जे दौर में औरतुनि जो हिकिड़ो बिल पास थियो हो, जंहिंमें माना औरतुनि जा बाक़ाइदे हिकिड़ो, अॻु में को अहिड़ो कानून मौजूदु न हुयो, हाणे त हिकिड़ो औरतुनि जे हुकूक़ जो पूरो कानून मौजूदु आहे। औरतुनि जूं शादियूं, औरतुनि जे शादियुनि जा कम, ॿियूं ॿाहिरि जा मामला, त टोटली जेके बि आहिनि उन में हू सॼो उन्हनि खे जेको आहे कवर था कनि। सवाल पुछंदमि के जेको बांग्लादेश आहे उहो मतिलबु पसमांदा आहे, असां खां वधीक हू स्टेबल मुल्क न आहे, पर इहो आहे की उते जेके राइट्स आहिनि कानून आहिनि, जीअं औरत हिकिड़ी आहे जेका राति जो 12 बजे बगैर गली में निकिरे थी, ॿाहिरि निकिरे थी, त अगरि उनखे कंहिं बि माण्हू जे लाइ चए थी की मूंखे हिन तंग कयो आहे, त उन माण्हू ते 6 साल जी उन्हनि खे आहे पेटिशन आहे, 6 साल जी हुन ते केस हले थो या उनखे जेल था विझी छॾे, असां वटि अहिड़ा कानून छो न आहिनि की हिकिड़ी छोकिरी सेफ छो ॿाहिरि नथी निकिरी सघे? न, असां वटि बिल्कुलु कानून मौजूदु आहे। अच्छा, कानून मौजूदु आहे, आइन मौजूदु आहे, उन ते अमल दरामद न आहे। मिसाल ॾींदुमि तव्हांखे, अमल दरामद छो कोन्हे? मां हिकिड़ी उन ॾींहुं फेसबुक ते हिकिड़ी पिक ॾिसां पियो, त तव्हांजे दुबई हिन वक़्तु वॾो माना मालदार ऐं तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहे, जेको कल कलो को ॾींहुं आबादु थियो आहे, ठीकु, उन जो जेको बादशाह आहे उहो इंतज़ारु पियो करे त इहो इशारो बंदि थिए, जेको पंहिंजे 5 माण्हुनि सां गॾु अचे पियो, हुन जो इशारे जो इंतज़ारु पियो करे त कंहिं वक़्तु मूंखे इजाज़त मिले थी त मां इशारे खां लंघी वञां ऐं हू गाॾियूं हलनि पियूं। ॾिसो, कान हिकिड़ो बादशाह उहो पंहिंजे इशारे जो इंतज़ारु थो करे, ऐं असां वारा बादशाह आहिनि जेके असांजूं लंबियूं कतारूं हणी था छॾनि। इहो फुकदान आहे, जेसीं ताईं इहो ठीकु न थींदो त असांजी औरत जा त छा, पर असांजी औरत हाणे जेको दादूं जो ताज़ो मिसाल थियो आहे, इहो असांजो माना ॾिसो इहो औरत जो केॾो तज़ल माना तज़लील आहे, पर इहे अवेयरनेस हुई फेसबुक, ॿियूं सोशल मीडिया, त माशाल्लाह सिंध टीवी बि हिनखे खयो इशू खे घणो, त अॼु हुनखे ATC जे जेको आहे सो सज़ा इनशाला ताला हुनखे मिलंदी, हिकिड़ी न्याणी सां जेको नाहक थियो आहे, जॾहिं इहो आवाज़ु ईअं उथंदो त ईअं ज़रूरु हक़ मिलंदो। ऐं आम माण्हू जेके आहिनि उहे उन्हनि शयुनि जे लाइ उथनि था। आप मुझे इहे बताए कि लेबर लॉस जो है हमारे पास जो मज़दूर हैं उनके क्या राइट्स हैं, वो इतने सालों साल किसी कंपनीज में छोटे छोटे काम करते रहते हैं, उनके क्या हैं, उनके एक्ट क्या हैं या उनके लिए लॉ क्या हैं? हमारे पाकिस्तान में लेबर लॉ मौजूद है जी। अब मसला ये है कि लेबर को इतना टाइम ही नहीं देते, ना इतना उस तरफ जाने देते, अवेयरनेस नहीं है कि वो उनको पता हो कि हमारे हकूक क्या हैं।
जी यहाँ पर अगर एक 10 साल 20 साल से भी कोई किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है बता दें कि तो उसको वहाँ से निकाल देते हैं, उसे पता ही नहीं है कि जी मैं लेबर लॉ के तहत जाके मैं इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूँ या मैं दोबारा बहाल हो सकता हूँ। ये हमारे यहाँ मौजूद है बिल्कुल लेबर लॉ, उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन बात ये कि उस लेबर के हवाले से उसको भी खुद भी आगे बढ़ना पड़ता है, किसी वकील से मशवरा करे कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, इसको मैं किस तरीके से हल करूँ। कोर्ट उसका मसला हल करता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में लेबर लॉ मौजूद है। सर मुख्य तां एकड़ो बुधायो माइनॉरिटी राइट्स चाइना सा वट जेके इलाही सारा सवाल पर वक्त सफा तौर ता मुख्तसर जवाब असन के दे छियो के माइनॉरिटी राइट्स चाइन उ इलाही सारी शयों जेके उनन के डिस्टर्ब कन थियो माइनॉरिटी जेका असन जे मुल्क में मानु रहन ता घणा इन तमाम घणा इन पर उनन जे राइट्स चाइन जी वंदा से ता हकीकत ये है ता जेतरा हक असन जा पांजा हन उनन जा भी जी यो ता के ता जो मुल्क जो आइन तो बुधाय हाँ। तो भाई उन्हें जा राइट्स केड़ा हैं, पर हकीकत यह है तो उन्हें जे राइट्स के सिलेब करने जेलाए उए जेके नंडड़ा नंडड़ा पांजा मफाद हैं असां जा जेके है कुछ ये खड़ी समझूं तो मां क्लियर चाहूं तो सियासी मानू पांजे मफादन के मद्देनजर रखने जेलाए माइनॉरिटी जा जेके राइट्स हैं उन्हें जेको आ सो खत्म था कन, पर हकीकत यह है मां बस शयूं चवंदुम तो माइनॉरिटी हुए या पांजो लेबर हुए कोर्ट में पोतो उनन के जरूर इंसाफ मिले इन बिन मानन के 100% इंसाफ जैसा पाण कदम न करना से कुछ न मिलो ये बई मानो ते पोचन इन बिन मानन के राइट का को भी अदालत को भी मानो रोके न तो सके इन के राइट जरूर राइट जरूर मिलो। सर थैंक यू सो मच ता प्रोग्राम में आया आप ही आए तो पांजो वक्त कडी ता आया मैं मशकूर हूं के आप लोग आए और यकीनन जेके असन व्यूअर उनन के अब अवेयरनेस थोड़ी घणी मिली हुंदी व्यूअर्स ता के बुधन दिला के असन आज जो प्रोग्राम हो उने के ब्लैक रोज हेयर कलर कलर सेफ वारन असा के तावन कयो है आजकल जेके असा सफेद वारन जे करे डाडा परेशान आयो है सोचिना आयो के उन में की असा नी जेके जान है वो आज ही करियो है असा जेके मार्केट में जेके इलाही सारा जेके आर्टिफिशियल कलर जेके अची विया आहिनि असां उन्हनि जी तरफ़ हलिया वेंदा आहियूं पंहिंजे वारनि खे तबाह कंदा आहियूं त तव्हां हाणे न कयो ऐं परेशान न थियो ब्लैक रोज़ कलर सेफ जेको आहे उन उहो तव्हां यूज़ करे ऐं पंहिंजे वारनि खे सिहतमंद ताक़तवर ऐं चमकदार ठाहे सघो था ऐं हाणे जेको ब्लैक जेका कवरेज आहे उहा पंहिंजे वारनि खे ग्रे कवरेज आहे उहो कंप्लीटली ॾेई सघो था ऐं इन सां गॾो गॾु थैंक यू सो मच सर मां इहे गिफ्ट ऐं ब्लैक रोज़ कलर सेफ वालों की तरफ़ से जो मां आप लोगों को प्रेज़ेंट करूंगी थैंक यू सो मच सर आप आए और नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां के अॼु यकीन तव्हां प्रोग्राम जेको आहे उहो ॾिठो हूंदो प्रोग्राम ॾिठो हूंदो ऐं तव्हांखे यकीन थोरी घणी अवेयरनेस जेका आहे उहा आई हूंदी ऐं तव्हां जेको जेके असांजा मौजूदु गेस्ट आहिनि हिननि जे असांखे गाइड कयो की तव्हां कोर्ट वञी सघो था या का मायूब या ग़लति शइ न आहे तव्हां पंहिंजे राइट्स जे लाइ वञी सघो था ऐं तव्हांखे उते यकीन जेको आहे उहो इंसाफ़ु मिलंदो। इन सां गॾो गॾु ॿुधाईंदी हलां के तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ब्लैक रोज़ कलर सेफ वारनि कयो ऐं नाज़रीन सुभाणे असां इनशा नए कंटेंट नए गेस्ट ऐं नई शख़्सियात ऐं नए टॉपिक सां गॾु तव्हां सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं फीडबैक पंहिंजी ॾियण सारींदव ऐं असां सां गॾु रहिजो ऐं हमेशह ऐं सुभाणे इनशाला मिलंदासीं नए कंटेंट सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। ख़ुशि रहो, आबाद रहो, सलामत रहो।